मान लीजिए कि आपकी एक सब्जी की दुकान है। सुबह आप सब्जी की दुकान ओपन करते हैं, तो दुकान ओपन करते ही उस समय आपकी सब्जी की प्राइस है 10 रुपये, या प्राइस जो भी हो। दुकान ओपन करने के बाद भीड़ बढ़ने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके दुकान पे आने लगते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब डिमांड बढ़ती है तो कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कारोबारी प्रॉफिट के चक्कर में उस प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देता है। तो यहाँ भी ठीक सिचुएशन ऐसे ही होगी कि चूंकि सब्जी की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप भी अपने प्राइस को ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अपने प्राइस को बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए कि उसके प्राइस यहाँ से बढ़ गए, अब यहाँ तक जाते हैं। ये इसका ओपन प्राइस था जिसमें मार्केट ओपन हुआ था, और यही मान लीजिए कि इसका लोअर प्राइस भी हो, क्योंकि उससे नीचे मार्केट नहीं गया है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती है जिससे उससे नीचे मार्केट जाए, और मार्केट ओपन होने के बाद लगातार प्राइस बढ़ती जाए, डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है, और यहाँ पे जाके मार्केट बंद हो जाता है। तो ये इसका हायर प्राइस है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो इस सिचुएशन में कुछ चार्ट इस तरह दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी जब शेयर की खरीद बेच हम करते हैं, तो अगर उसकी डिमांड लगातार बढ़ने लगी, उसमें ज़्यादा खरीदारी हो रही है, तो उसकी प्राइस ठीक इसी तरीके से बढ़ने लगते हैं और जाके किसी हायर प्राइस पे बंद हो जाते हैं। इस केस में अगर उसका ओपन प्राइस जो यहाँ का कैंडल दिखाई दे रहा है, इसमें अगर इसका ओपन प्राइस और उसका लोअर प्राइस सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो, थोड़ा बहुत बदलाव चलेगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम हो, और उसका हायर प्राइस और उसकी क्लोजिंग प्राइस जो उसकी उस दिन की मैक्सिमम प्राइस है शेयर की, और उसकी क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो, तो कैंडल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जब भी इस तरीके से कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट अभी तेजी में है, मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब भी आपको शेयर बाई करना हो, इस कैंडल की हेल्प की वजह से जो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, उसमें जो उसका लोअर प्राइस है, जो उस कैंडल का लोअर प्राइस है, अगर मान लीजिए कि उसका लोअर प्राइस 10 रुपये हो और उसके प्राइस बढ़ के हायर तक 15 रुपये तक गए हो, तो जहाँ पे उसका क्लोजिंग प्राइस है और जो उसका हायर प्राइस है, वो आपकी बाइंग पोजीशन होनी चाहिए। जब पूरा कैंडल आपको फार्म होता हुआ ऐसा दिखाई दे, तो उस केस में उसका हायर प्राइस आपकी बाइंग पोजीशन होनी चाहिए, और जो उसका लोअर प्राइस यानी कि जो 10 रुपये था, वो आपकी स्टॉप लॉस होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कैंडल इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी तेजी है, आने वाले समय में मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उसकी ऊपरी प्राइस को, उसके हायर प्राइस को या क्लोजिंग प्राइस को आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें जो भी कैंडल के बारे में यहाँ पे बताई जा रही हैं, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। ना मैं खुद कभी ट्रेडिंग करता हूँ, ना कभी ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड करता हूँ। ये चीज़ें केवल समझने के लिए हैं कि एक्चुअल में जो कैंडल फॉर्म होता है उसका मतलब क्या होता है, उसके बेस पे आप मार्केट में कब इंटर हो सकते हैं या मार्केट से कब एग्जिट हो सकते हैं। जो यहाँ पे कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसी को स्टॉक मार्केट में बुलिश मारू बाजू के नाम से जानते हैं। आपको जब भी किताबों में ये टर्म डालेंगे आप, तो ऐसा ही कैंडल का चार्ट आपको दिखाई देगा। कई सारी कंपनियों का चार्ट उठाइए और ऐसे जहाँ भी पैटर्न बन रहा है उसको स्टडी करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में जहाँ भी ऐसा पैटर्न बन रहा है, उसके बाद मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। धन्यवाद।